बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो आइए देखते हैं सफ़ेद चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हल्दी ली है, नमक लिया है, सुरख मर्च ली है, गरम मसाला लिया है, धनिया का पाउडर लिया है, प्याज जो हमने ग्राइंडर कर लिया, 3 बड़े प्याज लिए थे, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए वो भी ग्राइंडर कर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है, धनिया है, और आधा किलो जो है वो हमने चने जो है उबाल कर लिए थे पहले। तो आइए शुरू करते हैं सफ़ेद चने बनाने। कढ़ाई ली है, उसमें डाला हमने कुकिंग ऑयल जो वो गर्म हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे ग्राइंडर किया हुआ प्याज, और प्याज को अच्छी तरह जो है वो ब्राउन करेंगे। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो आप इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि वो भी जो है वो साथ में ब्राउन हो जाए, और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम शामिल करेंगे जो टमाटर हमने ग्राइंडर किए थे और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, और ये जो है कम सादा बन जाएगा। तो इसमें शामिल करेंगे नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, और साथ में हल्दी, और मसाले को अच्छी तरह जो तैयार कर लेंगे। प्याज और टमाटर ग्राइंड करने से इनकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाती है। इसको हम 2 से 3 मिनट जो है वो भुनेंगे। इसी तरह मसाला जो है तैयार हो गया है, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने चने उबॉयल किए थे, यानी चने उबॉयल किए थे जिसमें शामिल करेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट जो है वो भुनेंगे। दो से तीन मिनट जो है इनको अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद भाई इसमें करेंगे पानी शामिल जितना हमें चाहिए। पानी आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 बोल जो है वो पानी शामिल किया है, और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। पाँच मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे, चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ऑयल जो है ऊपर आ गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और साथ में गरम मसाला। चने जो है तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू है, और ग्रेवी भी जो है वो बहुत ही प्यारी बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।